अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार ट्यूना पास्ता। उसमें मैं बहुत सी वेजिटेबल्स भी डालूंगी, आप अपनी मर्जी की सब्जियाँ उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप ऑयल डाला है, उसमें मैंने 3 मीडियम प्याज डाले हैं। मुझे रेड प्याज मिला था, मुझे बहुत पसंद है ये प्याज, ये मैंने डाला था। अब हम इसको भूनेंगे और पास्ता मैंने निकाल लिया है, इसको हम डालेंगे। इसमें नमक 2 टेबलस्पून मैंने डाला है, इसमें नमक और इसमें पानी डाल के हम इसको उबलने के लिए गलने के लिए रख देंगे। अच्छा, मैंने गर्म पानी डाला है ताकि जल्दी इसमें उबाल आ जाए और जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तब तक पास्ता भी हमारा गल जाएगा। उसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, उसको ऊपर से बिल्कुल ढकना नहीं है, फिर वो उबलता है तो आपका कुकर गंदा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरह आपने थाली साइड पर रखनी है। प्याज हमारा जी ब्राउन हल्का सा हो गया था, अब इसमें लहसुन पिसा हुआ डाला है मैंने और उसके साथ मैंने तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें हैं वो भी पीस ली थी, मोटा मोटा कूट लिया था, वो डाल के उसको 1 से 2 मिनट भूनना है। अब इसमें 2 मीडियम टमाटर डालूंगी मैं। टमाटर डाल के हमने टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसको भूनना है, अच्छे से भुनाई करते जाएँ इसकी। अच्छा, अब कुछ मसाले मैं ऐड करूँगी। ये मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने और 1 टीस्पून ही मैंने लिया था मिक्स गरम मसाला। नमक क्योंकि पास्ता गलते हुए भी डाला है इसलिए 1 टीस्पून मैंने यहाँ डाला है। मसाले को भूनना है। अच्छा, यहाँ जब हम मिर्चें डालते हैं तो मसाला जलने लगता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के मसाले को जलने ना दें क्योंकि उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। इधर हमारा पास्ता भी गल रहा है, तो जब तक मसाला तैयार होता है तब तक इंशाल्लाह पास्ता गल जाएगा। अब मैंने एक जो है वो टिन लिया था कोन का, ये उबले हुए होते हैं, नरम होते हैं, उनका पानी निकाल लिया है, वो डाला है, स्मॉल टिन डाला है मैंने। और एक ही टिन मैंने किडनी बीन्स का लिया है, वो डाला है। ये गले में है, इनको बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना, 1 से 2 मिनट भूनना है। इनकी बुनाई हो गई है। अब मैंने ली है शिमला मिर्चें, मेरे पास येलो भी थी, रेड भी थी, ग्रीन भी थी, सारी मैंने क्यूब की शक्ल में काट ली हैं। ये डाल के और तकरीबन थोड़े से ही मटर हैं मेरे पास, 50 ग्राम होंगे मटर डाले हैं मैंने। सब्ज़ियाँ आपको जितनी जो पसंद है, आप कैरेट्स भी डाल सकते हैं, फलियाँ भी डाल सकते हैं, मेरे बच्चे जो खाते हैं वो मैंने डाला है। अच्छा, ये पास्ता सॉस ली है मैंने, देख के वेजिटेरियन वाली ली है मैंने, हाफ ये डाल दें। अभी डाल के अब आंच को ना थोड़ा तेज़ रखना है, बहुत मीडियम लो पे नहीं पकाना आपने, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो है वो किडनी बीन्स वगैरह गले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तेज़ आंच पे। ये देखें इसका पानी सूख गया है। अब मैंने लिया है जी एक ट्यूना और उसमें मेयोनीज़ डाल के मैंने इस तरह का मिक्सचर बना लिया है। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 ट्यूना के डब्बे ले सकते हैं, मैंने 1 ट्यूना लिया है, उसको उसमें ये रियल मेयोनीज़ डाल के इसका मिक्सचर बना लिया है। गैस मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मसाले में मैंने ये मिक्सचर डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, गैस बंद करके आपने ये डालना है, मेक श्योर करना है गैस बंद हो। तो पास्ता भी तकरीबन हमारा गल गया है, मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। पास्ते को मैं छान लूँगी, उसका पानी निकाल लूँगी। पास्ते को छान लिया है मैंने और अब ये पास्ता जो है ये बंद रखना है आपने, ऑन नहीं, फ्लेम ऑन नहीं करना। अब इसमें डाल के वो पास्ता तो अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स बहुत अच्छे से करना है, सारा मसाला बिल्कुल एक जैसा मिक्स हो। अब हमने एक ट्रे लेनी है, कोई भी बेकिंग ट्रे ले लें, उसमें हम ये डालेंगे पास्ता अपना, को डाल के किनारों से अच्छे से सेट करना है। अब जो सॉस मैंने आधी डाली थी वो बचाई थी जो, वो इसके ऊपर डालनी है। चम्मच से इसको अच्छे से सेट करना है। और अब जी मैंने लिया है चीज़ इसके ऊपर डाल देना है, कोई भी जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अच्छे से फैला दें इसको। मेरे पास ज़्यादा पास्ता था तो मैंने 2 ट्रे लिए हैं, एक छोटी ट्रे थी वो भी ले ली है और दोनों को ये ऊपर मैंने थोड़ी सी मिर्चें डाली हैं, ये कड़वी नहीं है। ओवन को मैंने ऑन कर लिया है, ओवन ऑलरेडी मेरा गर्म है। अब ये ट्रे उठाकर मैं ओवन में रख दूँगी और तकरीबन 6 से 7 मिनट में
इनको ओवन में रखूंगी और फिर मैं निकाल लूंगी। हाँ जी, तो देखें पास्ता हमारा रेडी हो गया है। मज़ेदार सा, जूसी सा, बहुत ही मज़े का पास्ता बना है। इसकी शक्ल से ही आपको लग रहा होगा, इतना जूसी है ना। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है और जब उन्हें पता चलता है कि पास्ता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका पास्ता कैसा बना, और इंस्टा पे पिक्चर्स मुझे टैग कीजिएगा, तो मैं अब ट्राई करने लगी हूँ। ये देखें, बहुत मज़े का है। वो अच्छे से गला हुआ हो तो बहुत मज़े का होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से गला हुआ है, बहुत मज़े का पास्ता है। ये देखें, ये मेरे पास कैरेट का अचार पड़ा हुआ था, और थोड़ा सा वो मैं डालूंगी क्योंकि मिर्चें मैंने थोड़ी कम डाली हैं और बच्चे जो हैं वो मिर्चें नहीं पसंद करते, तो मैं इसको थोड़ा करारा बनाने के लिए भी कभी मैं चिल्ली का अचार डाल लेती हूँ, और आज मैंने कैरेट का था तो वो डाल लिया। हाउ इज इट? इट्स डिलीशियस। हाँ जी, तो आपने सारी रेसिपी देख ली, बहुत मज़े का पास्ता तैयार हुआ है, बहुत जूसी। अच्छा, मैंने इसमें अचार का इस्तेमाल किया है उसको मज़ीद करारा बनाने के लिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है तो आपने अचार नहीं डालना। तो मैंने बच्चों के लिए बनाया था तो इसलिए चिली मैंने कम डाली थी, तो मैंने उसको मज़ीद करारा बनाने के लिए उसमें अचार शामिल कर लिया था। तो चलिए जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका पास्ता कैसा बना। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आऊँगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।